मेरे ख्याल में G20 तो खैर बड़ा बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि डंका बजा उसका, पूरी दुनिया में लोगों ने बड़ा एक अलग तरीके से इस G20 को लिया जो 2023 में इंडिया होस्ट कर रहा है। लेकिन इसके साथ जो कॉरिडोर वाली बात है वो मुझे लगता है कि सबसे एक शायद बड़ी स्टोरी, मुझे जाती तौर पे बहुत बड़ी एक स्टोरी लगी। हालांकि और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं इसके अंदर, सऊदीया और इंडिया के जो ताल्लुकात है वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है उसके पीछे, लेकिन वो अलग किसी शो में करेंगे। क्या आपको लगता है कि क्या क्या चीजें इजी हो सकती हैं, ईज ऑफ बिजनेस कैसे या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यूरोप तक, आपको लगता है? क्योंकि बीच में कुछ समंदर है, फिर मिडिल ईस्ट आता है, फिर इसराइल तक जाता है, इसराइल से फिर आगे जाके वो ग्रीक तक जाएगा, तो क्या कहेंगे? और ये मतलब थ्रेट पे हम बाद में बात करते हैं, पहले इसके जो दूसरे पॉइंट है जो इंडिया जिस मकसद के लिए इसको बना रहा है वो उस पर थोड़ी सी बात आपसे करें। फकर भाई देखिए, मोदी जी का एक स्टाइल है काम करने का, वो हर चीज को आइसोलेट करके नहीं करते, वो बहुत ज्यादा डॉट्स होते हैं उसको इकट्ठे करके एक लाइन बनाते हैं अपनी। अब देखिए, G20 से पहले मोदी जी कहाँ गए? एक दिन पहले आसियान की मीटिंग करने के लिए गए वो, और वहां पर जाकर उन्हें ये प्रोजेक्ट को बेच के आ गए। अभी प्रोजेक्ट अनाउंस नहीं हुआ था, ये कॉरिडोर अभी अनाउंस नहीं हुआ था, मोदी जी वहां पे उसको बेच के भी आ गए। ये होता है जैन बुद्धि, जिसको हम गुजराती बुद्धि बोलते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। वहां पर उन्होंने बोला कि भाई आप ऑलरेडी चाइना से तंग है, आपका माल नहीं बिक रहा, मेरी कंट्री भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल बट हमारी अकेली जो मार्केट है वो आपको केटर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे अपनी इंडस्ट्री भी है, हमने उसको भी संभालना है। जी मैं आपको एक काम कर सकता हूं, मैं आपको, भारत एक हब बन जाएगा आपके लिए, आप अपना माल, जैसे पहले आप हांगकांग से एक हब है या सिंगापुर एक हब है, आप उसको यूज करने के बजाय भारत को एक हब की तरह यूज कीजिए, और जी मैं आपको मिडल ईस्ट और यूरोप की मार्केट आपके लिए खोल सकता हूं। जी तो एवरीबडी हैज सेड यस टू अस कि भाई भारत एक हब बनेगा साउथ ईस्ट एशिया के लिए। अब जब वो कंट्रीज हमारे साथ आ गई हैं, उसी कंसेप्ट को फिर हमने मिडल ईस्ट को और यूरोप को बेचा है कि भाई जी मेरे पास साउथ ईस्ट एशिया की भी मार्केट है, मेरी अपनी मार्केट भी है। नाउ वी वॉन्ट अ कॉरिडोर जो हमें साउथ ईस्ट को आपके साथ कनेक्ट करे, वो हम सी पोर्ट से कर सकते हैं। अगर रेलवे लाइन बन जाए जो यूरोप तक जाए, तो ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर होगा। अब लोग बोलते हैं ये फिजिबल कैसे है। देखिए, देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होती है प्लानिंग और दूसरी होती है मनी, उसको प्लानिंग को बिल्कुल पूरा करने के लिए। बेशक बेशक अब इसके अंदर पार्टनर्स कौन कौन है? मिडल ईस्ट है, सऊदी बिल्कुल है, जी जिनके पास पैसा है, इसराइल है और मेजर जो रेलवे लाइन बननी है वो इसी जगह पे बननी है, कॉरिडोर में भी। मिडल ईस्ट भारत में से जो माल जाना है वो तो शिप पे जाएगा, जी फिर बिल्कुल थ्रू थ्रू ट्रेन जो मिडल ईस्ट में से निकल के इसराइल, इसराइल से सीधा यूरोप में। अब आप एग्जैक्टली देखिए कि गेम चेंजर कैसे है भारत के लिए। भारत को कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट भारत ले रहा है, बिकॉज इसके अंदर चाइना नहीं है, तो और किसी के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है रेलवे लाइन डालने की। और ट्रेन भी जाएगी तो वंदे भारत जाएगी, क्योंकि वो भी ओ भारत 200 की स्पीड पे ऑलरेडी हमने अपने कंट्री में टेस्ट कर लिया है। दैट बिल्कुल मीन्स सेमी सुपर फास्ट ट्रेन हमारे पास है, उसके एग्जैक्टली अंदर रेलगाड़ी जाएगी, वो भी हमारे से जाएगी, और कोई कंट्री दे नहीं सकता। देखिए, इसराइल के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, सऊदी के पास नहीं है, मिडल ईस्ट के पास नहीं है, जब हम पार्टनर हैं तो जाएगा भी हमारे से ही। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट द कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और बाद में ट्रेड रूट्स का फायदा भी हमें मिलने वाला है। ओके मुझे जो खबर मिली है हल्की सी, जो ट्रेन की ट्रेन है वो पूरी की पूरी भारत में लोड होकर शिप पे जाएगी, और शिप से जब वहां पहुंचेगी पूरी ट्रेन निकल के आगे चली जाएगी, आपको लोडिंग अनलोडिंग का काम करने की जरूरत नहीं ये पड़ेगी। बहुत अच्छा पॉइंट आपने, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरे माइंड में ये था, मैंने कहा अगर यहां से लोड होगा फिर वो जब लेली पे अनलोड होगा फिर उसके बाद फिर लोड किया, तो ये पॉइंट आपने बड़ा जबरदस्त वो किया हुआ है, जबरदस्त एक क्लियर तो हुआ है मेरा माइंड इस हवाले से। यस, ये बहुत लोगों के दिमाग में था। तो मेरी जब मिनिस्ट्री में बात हुई तो कहते हैं हमारा ये मॉडल इज नॉट अ नॉर्मल मॉडल, इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, जहां पर पूरी की पूरी ट्रेन को लोड करके आगे, सो दैट देयर इज नो टाइम लॉस। देखिए, बिजनेस के अंदर टाइम इज मनी,
एग्जैक्टली लोडिंग अनलोडिंग में ही हमने टाइम लगाना है, और सेकेंडली आप देखिए मिडल ईस्ट के अंदर यस वहां पे अगर लोडिंग होगी अनलोडिंग होगी फिर दोबारा से लोडिंग होगी, तो वहां पे लेबर इतनी पड़ जाएगी कि मटेरियल से ज्यादा तो लेबर कॉस्ट पड़ जानी है. बिल्कुल सो इट इज नॉट एक्सपेंसिव गोइंग टू बी हो गया। फिजिबल. तो देयर हैज टू बी अ न्यू वे विच द जो भारत की गवर्नमेंट ने और सबने मिलकर बनाया है इसको, तभी ये इसको बोलते हैं गेम चेंजर. अब ये आपने बोला कि भाई प्रोजेक्ट क्या है, तो मैंने आपको मोटा मोटी एक प्रोजेक्ट समझा दिया कि भारत अब एक हब बन रहा है. जैसे आप पहले दुबई को एक हब मानते थे, हांगकांग एक बेशक हब है, बेशक सिंगापुर एक कारोबारी हब है, अब भारत बेशक ने अपने आप को पूरे भारत को एक हब की तरह एक प्रोजेक्ट किया है. और आपने देखा कि जो जैसे वो एयरप्लेन्स हैं इसकी भी मेंटेनेंस अब भारत में हो रही है, शिप्स की मेंटेनेंस हमने ऑलरेडी शुरू कर दी है. तो आप देखिए ये कॉरिडोर आज आया है, लेकिन इसके ऊपर काम 5-6 साल पहले से शुरू कर दिया था. एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर लिया है सारी चीजों के लिए. अब मार्केट हमने ऑलरेडी पकड़ ली साउथ ईस्ट एशिया की, अफ्रीका को हमने अपने पाले में, ग्लोबल साउथ को हमने अपने साथ ऑलरेडी 120 बिल्कुल कंट्रीज किया को जोड़ लिया है. ये भारत ने अपने लिए नहीं किया है सिर्फ, ये प्रोजेक्ट है पूरे साउथ जो ग्लोबल साउथ है उसको जोड़ा है अपने साथ, और फिर यूरोप की मार्केट को जोड़ने की बात हो रही है. बिल्कुल सुमन जैन साहब, बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। यकीनन मुंबई टू यूरोप एक बहुत लंबा रूट, एक बहुत बड़ा रूट, और यकीनन जब भी ये शुरू हो जाएगा तो नो डाउट अबाउट दैट कि गेम चेंजर होगा। आपने बात की एक तो पैसे की, एक प्लानिंग की, अच्छा एक विजन। अभी क्योंकि मैं शो से पहले, थोड़ी देर पहले एक स्टोरी पढ़ रहा था बीबीसी की वेबसाइट पे, मोहम्मद बिन सलमान साहब और नरेंद्र मोदी साहब के दरमियान, कहते हैं कि जो ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल ऐसे नहीं है कि बस वैसे ही हेड ऑफ द स्टेट्स हैं वो दोनों, ऐसे ना नहीं ना है। ना मतलब उनके दरमियान बहुत बड़ी दोस्ती है। शेख जैद नाहयान साहब बड़े करीबी दोस्त हैं मोदी साहब के, वो ये नहीं है कि वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया के हैं या भारत के, या फिर वो यूएई के हेड ऑफ द स्टेट है तो इस वजह से वो उसमें नहीं मिलते, वो पर्सनल उनकी आपस में बड़ी दोस्ती है। ये विजन कितना बड़ा, मतलब उसका वो मैटर करेगा इस प्रोजेक्ट के अंदर या इससे रिलेटेड और चीजों के अंदर? फकार भाई देखिए, आपने कभी भी जियो पॉलिटिक्स में आपने कभी ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी होगी जो मोदी जी की आप देखते हैं, जैसे एग्री सऊदी प्रिंस के साथ है या इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है, वो ऐसे बिल्कुल लगता सर है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मिल रहे हैं. मुझे बेशक वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट एक बिल्कुल केमिस्ट्री होती है वेयर यू फील कंफर्टेबल इवन लुकिंग एट बिल्कुल देम स्टैंडिंग टुगेदर ऑन द या स्टेज. ये प्लीज कभी भी डिप्लोमेसी में आपने कभी देखा नहीं होगा. एक कोल्डनेस होती है कि मेरा कंट्री मेरा, आपका कंट्री आपका. बिल्कुल यहाँ पे एक तो ऐसी होती है कि थोड़ा जैसे वो ख्याल कहते रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हाँ बड़ा फ्रेंडशिप सा वेरी माहौल है फ्रेंडशिप. और ये या मोदी जी की जीत है, फ्रेंडली देखिए ये मोदी जी की जीत है, जैसे इन्होंने अपने रिलेशंस बनाए हुए हैं. भाई दोस्ती यारी में अब तो ऐसी बातें होती हैं, जैसे सऊदी सऊदी प्रिंस के साथ बैठे, ओ भाई तुमने मुझे बोला था कि तुम 100 मिलियन लगा रहे हो, वो कब लगा रहे हो? वो कहता जी अभी लगा देते. भाई अभी आप लगा सोच के देते। बिल्कुल देखिए कि सौ बिल्कुल बिलियन डॉलर भाई बिल्कुल एक झटके में उन्होंने बोल दिया यार अभी लगा देते हैं. ये होती है दोस्ती यारी, और इसी को गेम चेंजर बोला जाता है जो मोदी जी ने पिछले 9 साल में ये कमाई की है. देखिए ये जो विजन है ना, ये विजन होता है कि अगर आप अपने कंट्री को पहले रखते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट को आगे नहीं रखते, ये जबरदस्त फर्क आपकी गवर्नमेंट्स में भी और हमारी जो पहले गवर्नमेंट थी उसके अंदर भी ये चीज थी. आई फर्स्ट ओके कंट्री फर्स्ट, पहली बार हमें मिला है कि कंट्री फर्स्ट मोदी जी रखते हैं. जब आप अपने देश से प्यार करते हैं, अपने ओके देश okay. की तरक्की की बात करते हैं, दूसरा आदमी भी आपको इज्जत देता है. जब आप आई फर्स्ट रखेंगे तो वो भी देखते हैं यार चोर है, तो वो आपको चोर की नजर बिल्कुल से सही देखते कह हैं, रहे हैं। और वो एक और आपको इज्जत नहीं देते. और यही फर्क है, हमारे हुक्मरानों को भी पहले इज्जत नहीं मिलती थी, हमें भी साइड पे खड़ा कर दिया जाता था, जैसे आपके प्रधानमंत्री को साइड पे किया जाता है आज भी. क्यों? वो आई फर्स्ट है, कंट्री फर्स्ट नहीं है. तो ये गेम चेंजर्स इसलिए बनते हैं, और ये जो पर्सनल केमिस्ट्रीज हैं ये बहुत बड़ा मैटर करती हैं इस सारे चीजों के सक्सेस के लिए. बिल्कुल सही। अच्छा जैन साहब, एक चीज तो, एक तो सीपेक के हवाले से थोड़ा सा आप बताइएगा, क्योंकि आप चाइना में रहते हैं, इंडिया आपका कंट्री है, और सीपेक में पाकिस्तान और चाइना है साथ में। वो कहते हैं, कभी कहते हैं ईरान हमारे साथ हो गया, कभी कहते हैं कि सऊदी अरेबिया इसमें बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया ने बड़े कंसर्न शो किए हैं अभी, इसलिए MBS आए भी नहीं। हालांकि पहले ही कह रहे थे कि न्यू दिल्ली जाते हुए वो शायद थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए आएंगे, और फिर इनको था कि शायद वो वापस अगर जद्दा जाएंगे तो शायद रास्ते में 2-4 घंटों के लिए रुक जाएंगे, लेकिन ना आते हुए और ना जाते हुए वो नहीं रुके।
और ये कंसर्न्स कहते हैं कि आर्मी चीफ के पास, क्योंकि हमारे यहाँ तो आखिरी वो होते हैं, सबसे बड़े बॉस हमारे वही होते हैं, तो उनके पास जाके शिकायत लगाई जाती है, प्राइम मिनिस्टर तो बस ठीक है बैठे, और ये केयरटेकर की तो फिर बिल्कुल ही जो है ना मतलब ना 3 में ना 13 में होते हैं। तो क्या लगता है कि सीपैक के लिए कितना थ्रेट हो सकता है? हालांकि सीपैक को इन्होंने तो पहले ही काफी बड़ा कर दिया हुआ है, वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन क्या हो सकता है कि सीपैक से उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी? और फिर टर्की जो कंसर्न शो कर रहा है कि हमें ये बाईपास क्यों किया गया, हमें नहीं करना चाहिए, हमें नहीं कर सकते, तो इसमें कितनी हकीकत? देखिए, सीपैक सिर्फ चाइना और पाकिस्तान के बीच का प्रोजेक्ट है, जी बिल्कुल, इसमें मिडल ईस्ट कहीं भी आता नहीं है। जी बिल्कुल, तो इट इज अ पर्सनल लव अफेयर बिटवीन यू एंड चाइना। चाइना, सेकेंडली, आपने बोला कि मेरे अपना कंट्री है, चाइना मेरा कंट्री नहीं है, मेरी वाइफ का कंट्री है, मेरा मैंने कंट्री बोला भारत है, था, है मैंने कहा वहां और पे आप भारत ही रहते रहेगा। हैं और हिंदुस्तान आपका कंट्री है, मैंने ये बोला, मैं क्लियर हाँ, कर दूं दोबारा। लेकिन जी, एज फार एज सीपैक इज कंसर्न, देखिए, अगर आप मुझे पूछते हैं, नॉट एज अ भारतीय, लेकिन चाइना के अंदर भी ये चीज है कि सीपैक हमारा फेल हो गया है। आपने चाइनीज को फेल कर दिया इस प्रोजेक्ट के अंदर, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, पैसे भी खा लिए, प्रोजेक्ट पूरा भी किया नहीं है, अब ये फंस गए हैं। ये हड्डी ऐसी है, ना निकाल सकते हैं ना रख सकते नहीं हैं। टूट सकते हैं। एज फार एज जो हमारा ये मिडल ईस्ट का जो कॉरिडोर बन रहा है, अब मैं उसकी इंपॉर्टेंस बताता हूँ आपको। मैंने अभी आज ही का एक शो भी ये बात कर रहे थे हम लोग जी कि भाई अब एक हाईवे बन रहा है, आपके एक प्लानिंग है कि मैं हाईवे को एंड तक कहां तक लेके जाऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन होता क्या, आप हाईवे बना रहे हैं, दूसरा एक और हाईवे आ गया जो इसके बीच में से निकल के चला गया, अब आपका हाईवे वहीं पे रुक जाएगा। जी इसको बोलते हैं टी जंक्शन, बोलते हैं टी जंक्शन आ गया, हम राइट बिल्कुल राइट जाएंगे या लेफ्ट बिल्कुल, जाएंगे। एग्जैक्टली मोदी जी ने BRI को रोका ही नहीं है, वहां पे डी जंक्शन करा कर दिया है, क्योंकि इनका हाईवे चल रहा था BRI का। वी हैव क्रिएटेड अवर ओन रोड इन फ्रंट ऑफ देम, इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। देखिए, चाइना पूरी कोशिश करेगा कि कोई ना कोई गलत एलिमेंट्स को, जैसे ईरान को खड़ा कर देगा बीच में कि भाई आप इस प्रोजेक्ट को होने ना दो, क्योंकि उसमें देखिए चाइना का एक दबदबा है BRI के कारण, सारी कंट्रीज को उन्होंने जोड़ के रखा। भारत पता नहीं कहां से बीच में मोदी जी आ गए और अपना हाईवे, अपने जो रोड बीच में से निकाल दी। चाइना इस चीज को बर्दाश्त आसानी से ना तो डाइजेस्ट करेगा ना इसको बर्दाश्त करेगा, तो ये भी हरकतें करेंगे। बट मोदी जी ने एक बार तो चाइनीज गवर्नमेंट को और यहाँ पर लोगों को हिला दिया है कि व्हाट हैज दिस हैपेंड, हम अकेले दादा इस पूरे प्रोजेक्ट्स के, पूरे एरिया के हम सपने ले रहे हैं कि हम अफ्रीका तक लेके जाएंगे, मोदी जी ने बीच में रोड खड़ी कर दी। बहुत मुश्किल है इनके लिए डाइजेस्ट करना, ये तो कभी सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा काम हो सकता है। सेकेंडली, बिल्कुल व्हाई इट वॉज इम्पॉसिबल, भाई सऊदी अरेबिया से जा कहां रही है ये इसराइल, राइट, आप एग्जैक्टली कभी इमेजिन कर सकते हैं एग्जैक्टली इसराइल बिल्कुल और सऊदी इकट्ठे हो जाए और बोले कि भाई ये गेम चेंजर है, लेट्स जॉइन हैंड्स, और फिर जब खीर बटी रही हो तो अर्दगान भी आगे, भैया भी खीर बट रही है, मैं भी बीच में से थोड़ा सा दो चार चम्मच ले लूं। सही 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 तो जो खलबली है वो इसलिए है कि तुर्की भी अब आज की डेट में देखिए बहुत डाउन है, उनकी इन्फ्लेशन हाँ लेवल्स ऑलरेडी 50-60% से ज्यादा चले गए, बिल्कुल करेंसी उनकी क्रैश कर रही है, पूरे वर्ल्ड में वो भी आइसोलेट होते जा रहे हैं। दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम रेलिवेंट अगेन, और अगर सऊदी मिडल ईस्ट वाले बीच में लगे हुए हैं, अमेरिका की सपोर्ट है, भारत बीच में लगा हुआ है, इसराइल भी लगा हुआ है, व्हाई नॉट टेक सम एडवांटेज आउट ऑफ इट। और सेकेंडली, तुर्कियों को और भी है कि अगर कल को मैं इसका पार्ट बनता हूं, रेलवे लाइन मेरे से निकल के जाती है, मुझे कभी भी इनको तंग करना पड़े तो मेरे पास टूल है एक कि भाई मैं इनको तंग कर सकता हूँ। देखिए, जियो पॉलिटिक्स में आपको आज का नहीं सोचना होता, आपको बिल्कुल अगले 10 साल 20 साल के बाद क्या हो सकता है बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटीज को आज लेके चलना पड़ता है। सो तुर्की वॉन्ट्स टू रिमेन दैट रेलिवेंट ऑल्सो एंड अ ट्रबल मेकर ऑल्सो फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो ये भी रीजन है। तो खीर बट रही है, बहुत लोग आएंगे बीच में, जो कई मक्खियां भी आएंगी बीच में चखने के लिए, देखते क्या होता है। अच्छा सुमित साहब, एक चीज मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि एक रूट है पाकिस्तान का, ईरान के साथ बॉर्डर है, ईरान का सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया के साथ, सॉरी डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन इराक और यूएई के साथ उनका डायरेक्ट बॉर्डर है, और एक तरफ टर्की को वो टच करते हैं जो यूरोप का कॉरिडोर कहा जाता है फ्रॉम एशिया। तो ये ज्यादा बेहतर ना होता कि अगर इस रूट से जाते तो आपका सारा जो ये रेल कनेक्टिविटी है मिसाल के तौर पर, लेकिन उसके लिए पाकिस्तान बीच में आता यकीन है, अगर हम कहते हैं कि जी अमृतसर से एक ट्रेन निकलेगी वो लाहौर आएगी, लाहौर से वो
जाएगी बलूचिस्तान तफ्तान पे, तफ्तान से फिर वो मशहद और इस तरह से होते हुए जाहिदान और तहरान से होती हुई फिर वो इस्तंबोल भी जा सकती है और वो आपकी यूएई भी जा सकती है, दोनों रूट्स अवेलेबल है। तो ये ज्यादा वो नहीं था, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान को आई नहीं लेके आ जाए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ज्यादा पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, ये ज्यादा फिजिबल रूट नहीं बनता। देखिए, वी अंडरस्टैंड कि कौन सी और हम सऊदीया पॉसिबिलिटी। से डरते भी हैं, सॉरी मतलब आपको कट रहा हूँ, लेकिन हम सऊदीया और यूएई से डरते भी हैं, वो अगर हमें कुछ कह देना कि ऐसा कुछ नहीं करना तो हम फिर चू नहीं करते, ये भी मैं आपको बता दूं इस देखिए, सूरत में। मैं हमेशा बोलता हूँ, कई पूछ ऐसी होती है जो टेढ़ी की टेढ़ी रहती है, वो सही कोई भी सही कुछ कर दे और सीधी नहीं हो सकती। सही 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 तो देखिए, मैं आपको सीधा एक एग्जांपल देता हूँ। जब कोई विपदा आती है, जिसको हम एक वर्ल्ड में कोई क्लैमिटीज आती हैं, उसमें हर एक की होती है कि भाई वो दुश्मन हो दोस्त हो, हम इसकी हेल्प करें। अफगानिस्तान के अंदर खाने की कमी थी, हमने बोला कि भी हम वहां पर गंदम भेजना चाहते हैं, आपने नहीं जाने दी आपकी यस कंट्री के बीच में से, जबकि जी आपका उसमें एक भी रुपया लगता नहीं था। हम बिल्कुल 50,000 टन फ्री में अफगानिस्तान को भेज रहे थे, आपने रास्ता नहीं दिया, हमने फिर ईरान के थ्रू भेजी वो। जब आप उस ह्यूमैनिटेरियन, जो भी आपके अफगानी भाइयों के लिए भेज रहे हैं हम लोग, जिसको आप अपना पांचवा सूबा बनाने की सोच रहे थे, आपने वो भी हमें रास्ता नहीं दिया, आपको लगता है कोई चीज ऐसी जो भारत की तरक्की की बात हो आप हमें रास्ता दे देंगे? नहीं हो सकता। इसीलिए वो हमारे दिमाग में है कि हम अगर रेलवे लाइन से ही जाएं तो बेटर है। तो शायद जिस दिन आप हमें पीओके दे देंगे या गिलगित का एरिया दे देंगे, वहां से अफगानिस्तान और आगे रास्ता निकल जाएगा, हमारे दिमाग में ऑलरेडी है। इसलिए कश्मीर तक हमने ऑलरेडी रेलवे लाइन डाल दी है, आगे कनेक्टिविटी सिर्फ 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर की है, वो हमारे प्लान के अंदर ऑलरेडी है। जिस दिन वो आ जाएगा उस दिन हम ये भी इंप्लीमेंट कर लेंगे, चिंता नहीं करो राइट सही है। नहीं चिंता मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं आप। जस्ट वो एक जियोपॉलिटिकल पोजीशंस को देख रहा होता है ना, आई एम जस्ट नो, व्हाट यू आर सेइंग आर्गुइंग मेक सेंस, बट व्हेन थिंग्स आर गोइंग इन द नॉनसेंस साइड, उस एग्जैक्टली वक्त यार सेंस कंट्री की बात हमने करनी थोड़ी इट्स नॉट प्रैक्टिकल। बिकॉज अगर आपने वो उस ह्यूमैनिटेरियन के लिए भी हमारी हेल्प करने से एग्जैक्टली इनकार कर दिया, नहीं, बहुत तो सारा ट्रस्ट हम डेफिसिट है इसमें कोई डाउट नहीं है जैन साहब, मैं उस पे बिल्कुल, क्योंकि वो इतना बड़ा है 75-76 सालों का वो आ रहा है, कभी जंग हो रही है कभी हमारे आपस में कुछ ना तो कुछ चल रहा होता है अनफॉर्चुनेटली। अगर सही होता तो फिर ये उस शायद सूरत हाल में बात होती और बड़ा बड़ा स्ट्रॉन्ग होता। मैं कहता हूँ कि शायद इससे बेहतरीन रूट मेरे ख्याल में शायद ही दुनिया का कोई होता जो ये बन सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सकता। लेकिन मेरा क्वेश्चन था, अच्छा रशिया के हवाले से, रशियन एम्बेसडर गणेश साहब जो है यहाँ पे पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान चीन ईरान एंड रशिया ये एक कोर ग्रुप है। अब हमें ये भी पता है कि भारत के साथ रशिया के कैसे ताल्लुकात है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी भी 60% या 65% जो आप लोगों का डिफेंस से रिलेटेड आर्सनल है या और चीजें इक्विपमेंट है वो इस वक्त भी रशिया से आता है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट है एक दूसरे के साथ, बहुत कुर्बतें हैं, बहुत ज्यादा दोस्तियां हैं, तो तब जाके ये पॉसिबल हो रहा है, वैसे थोड़ी हो सकता है। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये अमेरिका की बहुत ज्यादा जो मतलब जिसे के नजदीकियां हैं भारत के साथ वो वजह है या कुछ और चीजें आपको नजर आती? देखिए, पहली बात यह कि स्टेटमेंट किसने दिया है, जी ये स्टेटमेंट पुतिन साहब ने नहीं दिया, एक एग्जैक्टली एम्बेसडर है जो रशिया के पाकिस्तान के एम्बेसडर अंदर है, बैठा है, उसने बिल्कुल स्टेटमेंट दिया है। जी अब मैं आपको थोड़ा सा, बिकॉज मैं एक कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर रहता हूँ, मैं आपको बिल्कुल ठीक कम्युनिस्ट कंट्री का जो काम करने का स्टाइल है मैं उसको समझा सकता हूँ। जी यहाँ पर किसी के भी स्टेटमेंट की वैल्यू नहीं है, जो ऊपर बिग बॉस ने बोल दिया उसको ये बोलते हैं भगवान, ओके क्योंकि तो इनके ओके कंट्री में यहाँ पर भगवान अल्लाह कोई भी चीज नहीं है, वो कहते हैं बिल्कुल प्रेसिडेंट से ऊपर कुछ है ही नहीं, है नहीं तो जो वो बोलेगा उसी की वैल्यू है, नीचे कुछ भी बोलता रहे, नोबडी टेक्स केयर। सेकेंडली, ओके जो एम्बेसडर पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, उसका काम है कि पाकिस्तानियों को खुश रखना, फिर नहीं तो पता लगे उसकी बीवी को उठा के ले गए, तो उसकी भी मजबूरी है कि भाई मैं जिस कंट्री में बैठा हूं उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा बोलता रहूं कि भाई आप ओके कोर मेंबर हैं, यू आर द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, आप भी खुश हैं। सेकेंडली, उसको उसका काम है वहां पर कि चाइना नहीं को भी पहले खुश ये रखना चीज है। नहीं थी, मैं इसलिए कह रहा हूं पहले ये चीज नहीं थी, इस तरह के नहीं बयानात थी, हम कभी रशियन एम्बेसडर को किसी मतलब कंट्री के नेशनल डे में अगर हम देख ले तो कह देते ये रशियन एम्बेसडर है दैट्स इट। इसके अलावा दैट्स इट। हमने कभी रशियन एम्बेसडर की प्रेजेंस नहीं देखी पाकिस्तान में। आप कभी भी नहीं देखोगे,
आप कभी भी चाइनीज एम्बेसडर रहे यहाँ पे, जैसे भारत के अंदर है या चाइना में, आप पाकिस्तान में भी होगा, आप कभी इनके स्टेटमेंट्स नहीं सुनोगे, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू कम पब्लिकली आउटसाइड। हाँ, किस दिन नेशनल डे हो गया, आ गए, झंडा फैला दिया, 1 घंटे के लिए आएंगे, चुपके से बिल्कुल निकल भी जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा शायद कि ये एम्बेसडर है चाइना का या रशिया का। कॉम्युनिस्ट कंट्रीज का हमेशा ही ये हाल होता है, अगर किसी ने ऐसा स्टेटमेंट दिया भी है वो आपको खुश करने के लिए है, बट अदरवाइज। मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन, वकार भाई, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं, क्या आप अपने देश का, जो आपके मुल्क का जो हाल है आज की डेट में, आप अपने आप को इम्पोर्टेंट समझते हैं इस रीजन के अंदर, इन एनी स्फेयर, बेशक वो साइंस है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फॉरेन ट्रेड है, इम्पोर्ट है, एक्सपोर्ट है, रिलेशनशिप है, आप जी, किसी भी चीज में अपने आप को रेलिवेंट मान सकते एब्सोल्युटली हैं? नॉट, एब्सोल्युटली अगर नॉट। आप खुद एज अ पाकिस्तानी अपने कंट्री को रेलिवेंट नहीं मान सकते, हाउ कैन यू टेक अ स्टेटमेंट ऑफ अ रशियन एम्बेसडर जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है स्टेटमेंट की, तो आप उसको भी सीरियसली कैसे ले सकते हैं? ये ठीक है कि आपके लोग वहां पे बहुत जल्दी से, यू नो, क्योंकि इमोशनल कॉम है, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं कि देखिए जी, रशिया ने हमें बोल दिया, बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, एक आप और खुश हो लो। रहे हो, अदरवाइज इसकी रियलिटी पीछे नंबर बिल्कुल जीरो है। आपने बिल्कुल सही बोला, एक रशिया, अगर आज की डेट में, मैं एक और चीज बोलता हूँ, आप रशिया के सामने तीन प्लेयर हैं, चाइना है, भारत है और पाकिस्तान है, जी बिल्कुल, रशिया किसको ट्रस्ट करेगा आज की डेट में? भारत को, सिंपल भारत। आपके सामने रशिया को भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रशिया चाइना को भी ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने ट्रस्ट क्रिएट ही नहीं किया किसी के साथ भी। अब जो G20 के अंदर जो भारत ने किया कि डिक्लेरेशन को साइन करवा लिया और रशिया का नाम भी आने नहीं दिया, जबकि बिल्कुल पिछले 1 साल में बिल्कुल, जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं उसका मेन एजेंडे का डॉक्यूमेंट कभी साइन ही नहीं हुआ 1 साल से, क्योंकि रशिया बीच में अड़ा हुआ था। हमने मुद्दा भी सॉल्व कर दिया, डेक्लरेशन साइन करवा लिया, 150 से ज्यादा पॉइंट्स ओके करवा लिए, अफ्रीका यूनियन को बीच में एंटर करवा दिया, भाई इससे बड़ी जीत क्या हो सकती है? अब उसके बाद आप सोचें कि वो पाकिस्तान को ट्रस्ट करेंगे, चाइना को ट्रस्ट करेंगे, भारत को साइड में कर देंगे? इम्पॉसिबल है भाई। बिल्कुल सही है। और यकीनन ये बात बड़ी अहम इसलिए है कि मैंने कहा कि 70-75 सालों से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं भारत के साथ, रशिया के, पहले भी थे, अब भी, और मेरे ख्याल है कि आइंदा भी रहेंगे। ये शायद खत्म होने वाला नहीं, और बल्कि वो भारत भी यही बात करता है कि हम किसी और पे ट्रस्ट बाद में करेंगे। हमने जिसको टेस्ट किया हुआ है वो रशिया है और हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो पकार बार बार। जी 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 पकार भाई, मैं ना आपको एक लास्ट चीज बोलना चाहता हूँ, मैं प्लीज, दिमाग से जरूर जरूर सर। निकल गई थी मेरे। मैं रशिया गया हूँ 2 बार, और वहां पर जो लोग हैं, देखिए अगर आप भारत में पूछेंगे किसी को कि भी आप रशिया को और चाइना में, आप दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करते हो, तो आपको हर एक भारतीय बोलेगा रशिया। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हम रशिया के साथ दिल से कनेक्टेड फील करते हैं, ज्यादा चाइना से कनेक्टेड कंफर्टेबल फील फील करते नहीं हैं। करते। अब आप रशिया में जाते हैं, आप रशिया में भी बात करेंगे तो वो बोलेंगे कि हमारे जो पूर्वज है ना वो भारत से थे। मैं बड़ा हैरान हो गया सुनकर जब उन्होंने बोला कि वी फील कनेक्टेड विद भारत। हमने बोला वो क्यों? वो कहते कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें इतने वर्ड्स हैं जो कि संस्कृत से आते हैं, आज भी इनकी लैंग्वेज में, जो रशियन लैंग्वेज है उसमें वर्ड्स संस्कृत के हैं, इसलिए ये अपने आप को भारत से कनेक्टेड भी फील करते हैं। दैट मींस ये दिल से कनेक्शन है, ये कोई पॉकेट से कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें कोई शक नहीं है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। और एक चीज जो मैं आखिर में कहना चाहूंगा वो ये है कि कनेक्टिविटी आपकी दुनिया के हर कंट्री के साथ होनी चाहिए, ताल्लुकात सबके साथ बेहतर से बेहतर होने चाहिए। ना ये कि हम चीन के साथ है तो हम कहें कि जी हम सऊदी अरेबिया के साथ क्यों जाएंगे, अगर हम भारत के साथ है तो हम कहते हैं कि जी हम नॉर्थ कोरिया या चीन के साथ क्यों जाएंगे। मेरे ख्याल में इस चीज को हमें बदलना चाहिए। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और बहुत ज्यादा इसकी सख्त जरूरत है हमें, हर तरीके से, हमारी इकोनॉमी को, हमारे कंट्री को, हमारे नेशनल इंटरेस्ट को, सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन ये